हे गाइस, आपको ये वाला डिज़ाइन देखने में जितना मुश्किल लग रहा है उतना बिल्कुल नहीं है। तो इसकी वीडियो मैं अपने चैनल जस्ट डिज़ाइनर के ऊपर लेकर आई हूँ, तो वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना पड़ेगा। तो ये वाला डिज़ाइन मैं बना रही हूँ स्लीव के ऊपर, तो आप चाहे किसी के ऊपर भी बना सकते हो, कुर्ती के दामन में भी बहुत अच्छा लगेगा। स्लीव को मैंने कट कर लिया, 7 इंच स्लीव हमारी रेडी है, तो मैंने 8 इंच 1 इंच प्लस करके स्लीव को कट किया है, बाकी स्लीव को वैसे ही कट करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिए मैंने स्लीव की बैक साइड में इस तरीके से पेस्टिंग पेपर को 4 इंच तक पेस्ट कर लिया है प्रेस से। अब इसके बाद मैंने एक ट्रायंगल की शेप ली है, आप चाहो तो कोई भी शेप बना सकते हो, स्क्वायर भी बना सकते हो या फिर राउंड शेप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ट्रायंगल शेप अच्छी लगी, तो स्लीव की नीचे वाली साइड में 1/2 इंच की मार्जिन दे रही हूँ, इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे, ये हमारा सिलाई की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्क कर रहे हैं। अब इसके बाद ऊपर वाली साइड में सेंटर में से इस ट्रायंगल को रखेंगे, ये देखिए मैंने 1/2 इंच से भी 2 पॉइंट ऊपर की तरफ रखा है इसे, तो इसकी शेप में मैं ड्रॉ कर रही हूँ। आपको सेंटर से लेकर जाना है, साइड में से शुरू नहीं करना है, सेंटर में शुरू करना है। अब इसके बाद जो ट्रायंगल है उसको हमने इस तरीके से पलट कर रखा है, तो आप देख ही सकते हो वीडियो में, तो आपको वैसे ही निशान लगाना है, ठीक है। तो ट्रायंगल के बीच में जो स्पेस है वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, इससे ज़्यादा भी रख सकते हो, मैंने काफ़ी कम रखी है तो आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हो। तो स्लीव्स की जो मुरी है वो इस वाली साइड में जितने ट्रायंगल बनेंगे तो आप बना सकते हो, लास्ट में एक और बन जाएगा हमारा, तो इस तरफ भी उतने ही ट्रायंगल बनेंगे जितने हमारे एक साइड में बने हैं। वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये डिज़ाइन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, आप अगर स्किप करके वीडियो देखोगे तो आपको ये डिज़ाइन मुश्किल ही लगने वाला है। पहली बार देखने में मुझे भी ये वाला डिज़ाइन थोड़ा सा मुश्किल लगा था, क्योंकि देखने में पहले ऐसा लगता है कि इस डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा मेहनत होगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। तो जो मेरी भी फ्रेंड है उसने भी मुझे ये डिज़ाइन बनाने के लिए दिया हुआ है, तो पहली बार जब मैंने देखा मुझे भी मुश्किल लगा, मगर मैंने सोचा कि पहली बार मैं किसी रफ़ कपड़े के ऊपर ट्राई कर रही हूँ, तो ये वाली जो वीडियो है मैं पहली बार ही इसे डिज़ाइन को ट्राई किया है, और ये स्लीव भी रफ़ है, तो रफ़ कपड़े के ऊपर मैंने ये स्लीव का डिज़ाइन बनाया है। तो असल में तो मैं किसी और कपड़े के ऊपर बना रही हूँ, मगर पहले मैंने सोचा कि इसके ऊपर बनाकर देख लेती हूँ, कुछ मिस्टेक होगी तो मुझे इसमें पता लग जाएगी, और साथ में मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसकी वीडियो शेयर कर देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं ऐसा ही दिखाऊंगी कि ये मैंने अच्छा बना दिया, जैसा भी बनेगा आपके सामने होगा, क्योंकि जो मिस्टेक होती है वो सभी से हो ही जाती है, और गलतियों से सीख कर ही हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बहुत हो चुकी बात है, अभी मैं आपको डिज़ाइन के बारे में बताती हूँ। ये डिज़ाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने बीच में से थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर इसको कट कर लिया, और जितने भी कॉर्नर थे उसमें छोटे छोटे से कट लगा दिया, और मार्जिन को इस वाली साइड में ऐसे फोल्ड कर दिया। बहुत ही आसानी से ये फोल्ड हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है आपके अगर जो नोचिस हैं वो अच्छे तरीके से लगे हों। तो सभी ट्रायंगल को बीच में से फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर मैंने प्रेस कर ली है, तो ये इतनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब मैंने एक लिया है ऑर्गेन्जा फैब्रिक, ये मेरे पास वेस्ट फैब्रिक पड़ा था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर यूज़ हो जाएगा, उसके ऊपर मैं कुछ और यूज़ करने वाली हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, जो स्लीव है उसके ऊपर आपको ऑर्गेन्जा फैब्रिक को इस तरीके से रखना है। इसकी जो मैंने चौड़ाई ली है वो मैंने डिज़ाइन से थोड़ी सी ज़्यादा ली है, आप देख ही सकते हो डिज़ाइन की ऊपर की तरफ ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक आ रहा है। तो यहाँ पर मैं जो 1/2 इंच है उससे थोड़ी सी कम सिलाई लगा रही हूँ, ये देखिए। तो जब मैंने ऐसा यहाँ तक आधा डिज़ाइन बना लिया था तब मुझे थोड़ा सा फील होने लगा कि ये डिज़ाइन मैं बना लूँगी, मगर थोड़ा सा फ़र्क इसमें क्या है कि जो डिज़ाइन मैं उस कुर्ती के ऊपर बनाने वाली हूँ उसका फैब्रिक थोड़ा सा सिल्क का है, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कपड़ा है, ये हमने कॉटन का फैब्रिक लिया है, बस इतना सा चेंज है। तो जो हमने सिलाई लगाई है उसको ऐसे फोल्ड करने के बाद और ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। टॉप स्टिच लगाने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। तो फोल्ड करेंगे तो किनारी के ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि जो हमारा ऑर्गेन्जा फैब्रिक है वो आगे की तरफ ना आए। वैसे तो जब हम इस ट्रायंगल के साइड में सिलाइयाँ लगा लेंगे तो हमारा जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है नीचे वाली साइड से बिल्कुल भी नहीं सरकेगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया, तो इसको कैसे अटैच करना है, तो यहाँ पे हम सिलाई नहीं लगा सकते, तो मैंने यहाँ पे रिवर्सिबल टेप का इस्तेमाल किया है जो कि प्रेस से दोनों साइड से ऐसे चिपक जाती है, तो इसके बीच में मैंने ऐसे रखा और इसके ऊपर प्रेस कर ली, तो ये देखिए बिल्कुल नहीं उठ रहा।
तो अभी हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल के ऊपर सिलाई लगानी है। वैसे डिज़ाइन तो बहुत ही बढ़िया बताया मेरी फ्रेंड ने, तो मुझे भी थोड़ा सा मन हो रहा है कि मैं भी अपने कुर्ती के ऊपर या फिर सूट के ऊपर ऐसा डिज़ाइन बनाऊं, मगर पहले उसका बना देती हूँ, नहीं तो वो सोचेगी कि पहले अपना बना लिया फिर मेरा बनाया। तो जब मैं इन ट्रायंगल के ऊपर सिलाई लगा रही थी, थोड़ा सा मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि मैं इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ, तो अभी मुझे पता तो लग गया है कि इस डिज़ाइन को मैं बना लूँगी, तो इसमें बेकार में क्या मेहनत करनी, क्योंकि असल में तो मैं किसी और फैब्रिक के ऊपर ये डिज़ाइन बनाने वाली थी। तो फिर मैंने सोचा कि इस डिज़ाइन की मैंने आधी वीडियो तो बना ली है, इसको बीच में मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, तो आपके साथ भी तो मैंने वीडियो शेयर करनी है। तो इसको मैंने कंप्लीट जैसे तैसे कर लिया, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाता तो कंप्लीट तो हो ही गया था, मगर जब बना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बना था। तो मुझे तो देखने में जितना मुश्किल लग रहा था उतना मुश्किल बिल्कुल नहीं लगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है ये डिज़ाइन। आप अभी मेरे चैनल जस्ट डिज़ाइनर के ऊपर अभी वीडियो देखकर अगर आपके मन में है कि आप भी ऐसा डिज़ाइन बनाओ, तो पहली बार बना रहे हो तो मैं आपको ये सुजेस्ट करूँगी कि आप एक ट्रायंगल की शेप किसी भी फैब्रिक के ऊपर पहले बनाकर देखिए, पेस्टिंग पेपर पहले पेस्ट कर लें, उसके बाद कोई भी ट्रायंगल की शेप ऐसे बना लें, उसके नीचे ऑर्गेन्जा फैब्रिक लगा कर देखें। अगर आपका ये वाला एक पूरी सफाई से बन गया तो आप किसी स्लीव के ऊपर या फिर जिसके ऊपर भी बनाने वाले हो उसके ऊपर ट्राई करना, ठीक है। और ये वाला डिज़ाइन मैं तो सोच रही हूँ कि मैं अपनी कुर्ती के दामन के ऊपर बनाऊँ और जो ट्राउज़र पैंट की मोरी होती है उसके ऊपर बनाऊँ, क्योंकि दोनों में सेम सेम डिज़ाइन बन जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और तो मुझे लग रहा है कि ये वाला डिज़ाइन वोट नेक में सबसे ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि वोट नेक में जो हमारी ट्रायंगल है इसका साइज़ हम छोटा कर लेंगे तो इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आने वाला है। और जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक होगा वो हम वाइट कलर का यूज़ करेंगे या फिर स्किन कलर का। तो अभी हम लगाने वाले हैं लास्ट वाले ट्रायंगल की सिलाई, ठीक है। तो अभी इसके बाद एक और ट्रायंगल था तो वो हमने कट नहीं किया, क्योंकि मोरी की सिलाई आने के बाद वो फेस्ट में बीच ही चला जाता, तो हमने इसको कट नहीं किया है, क्योंकि फालतू में कुछ नहीं बनाना है। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद मैंने सभी जो ट्रायंगल है उसको चेक किया अच्छे से, तो मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ी सी एक ट्रायंगल के ऊपर सिलाई खाली रह गई है, इसके ऊपर मैं लगा देती हूँ। तो अभी ये डिज़ाइन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, अभी भी मेरा मन नहीं भरा तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर छोटे छोटे से स्टोन लगा देती हूँ। सिर्फ मैंने ट्रायंगल के ऊपर एक एक स्टोन लगा दिया है, आप चाहो तो कुछ भी लगा सकते हो, ऐसे भी खाली छोड़ सकते हो, क्योंकि ये खाली भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो जब तक मैं स्टोन लगा रही हूँ तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैंने ये डिज़ाइन आपके लिए कंप्लीट किया है, तो नहीं तो मैं आधा बीच में ही इस डिज़ाइन को छोड़ने वाली थी। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि मैंने ज़रा सी भी मेहनत की है इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको ये डिज़ाइन सच में पसंद आया है और सच में आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, तो मेरे चैनल जस्ट डिज़ाइनर के ऊपर आप बाकी वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लेना, उनमें से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस डिज़ाइन को बनाने के बाद मुझे ये कंफ्यूजन हो रही थी कि मैं अपने लिए किस कलर की कुर्ती के ऊपर ये वाला डिज़ाइन बनाऊं, तो आप मुझे थोड़ा सा सुजेस्ट करें कमेंट में, मुझे कौन सा कलर लेना चाहिए इसके लिए, दो कंट्रास्ट बता दीजिएगा कमेंट में। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन के ऊपर भी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियो होगी उसके अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। और जिन्होंने मुझे पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो उनका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और उनका भी शुक्रिया जो मेरी वीडियो पूरी देखते हैं। तो अभी हमारा डिज़ाइन का फाइनल लुक रेडी है, तो आप देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बना है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से इस डिज़ाइन को बनाना बताया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मेरी बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देख लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।